जी नाजन, एक मरतबा फिर मुस्तफ़ा जानेर अहमद हुसैननात मुकाबले में आपको कहते हैं खुशामदीद। और इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन हासिल है BRMC बुराक बिल्डर्स का। अब चलते हैं अपने अगले पार्टिसिपेंट की जानब। बिल्कुल जी, अगले हैं मोहम्मद अदनान, सॉरी मोहम्मद हसन, जिनका ताल्लुक कर्क से है और इनका कोड नंबर है 0039। और देखते हैं कर्क में कैसा अंदाज बयाँ है और अंदाज सुनने का बयाँ है। जनाब बिस्मिल्ला। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन नूर दुनिया मदीने अर्श-ए-आज़म से जिसकी बड़ी शान है। रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है। रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं। एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मुझे मौत का कोई खतरा न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो। काश एक बार सरकार मुझसे तेरा जीना मरना मदीने में है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मोहम्मद हसन साहब आकद जहाँ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुलाए अकीदत पेश कर रहे थे। जी नियाज़ी भी बताइएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हसन के बारे में इतना ही कहूँगा कि जिस इलाके से ये बिलोंग करते हैं, पश्तो इनकी लैंग्वेज है मादरी, और उस लैंग्वेज में फिर उर्दू नात पढ़ना और फिर हजूर की नात से मोहब्बत और इश्क करना और फिर इतनी दूर से सफ़र करके आना, तो मैं समझता हूँ इनके लिए ये बड़े मोहब्बत और एहसास की बात है। सही जी शाह साहब। जी जैसा कि ये बता रहे हैं इनका ताल्लुक करक से है, मैं तो खैर नहीं जानता, तो पश्तो ज़ुबान मादरी ज़ुबान अगर हो तो उसके बावजूद आप उर्दू में नात पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल ये इंतहाई मुश्किल काम है। और इनसे भी मैं यही कहूँगा जैसे पहले बच्चे को मैंने कहा कि नात का अगर आपको शौक़ है तो आपको ज़रूर नात सीखनी चाहिए। आप अच्छा पढ़ते हैं और जैसे आप क्लासेस लेंगे ना तो आप और अच्छा बेहतर अंदाज में नात पढ़ सकेंगे, तो इंशाल्लाह आप नात सीख के अगली दफ़ा आएँ। जी फवाद भाई। जी माशाल्लाह बच्चे की कोशिश बहुत अच्छी थी, बावजूद पश्तो लैंग्वेज के इनका उर्दू एक्सेंट बहुत अच्छा था, उसमें महसूस नहीं हो सका कि ये पश्तो बोलने वाले हैं। इनका क्लियर एक्सेंट था। कुछ अल्फाज के बारे में मैं बता दूं कि मुस्तफ़ा का लफ्ज़ आपने दो सांसों में पढ़ा, ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे या किसी उस्ताद को सुनेंगे तो ये चीज़ें आपको समझ आएंगी जो आप बता रहे हैं हम, कि एक लफ्ज़ को दो सांसों में नहीं पढ़ते, यानी आधा लफ्ज़ एक सांस में पढ़ के सांस लिया फिर बकिया आधा लफ्ज़ दोबारा दूसरे सांस में पढ़ा, एक लफ्ज़ को एक ही सांस में पढ़ें आप, ठीक है, ये गलती में आता है। मोहल्ला का लफ्ज़ ये भी आपने मुँह अलग का मोहल्ला ला अलग का आपने, और मदीना का लफ्ज़ है मादीना नहीं है,
ठीक है, मीम अलिफ माँ नहीं है वो, इनकी ज़बान का थोड़ा जी हाँ वो है। बाकी एक्सेंट बहुत अच्छा था, लेकिन ये दो तीन गलतियाँ मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये भी बेहतर हो जाएंगे। तो माँ दीना नहीं है, मदीना है, ठीक है, मीम दाल, मीम अलिफ दाल नहीं है। मेहनत करें, इंटरनेट का दौर है, बेशक आपका जो इलाका है इस हवाले से इतना नात के हवाले से इतना वहाँ पे शायद के काम ना हुआ हो, लेकिन आपकी मोहब्बत काबिल तहसीन है। इंटरनेट का दौर है, आप कोशिश करें कि अच्छे सना खां को यूट्यूब पे सुने और उससे जो है मज़ीद रहनुमाई लें आप। बिल्कुल जी जवाद भाई, बहुत खूबसूरत पढ़ा, मेरा तो दिल कर रहा है इनको इनसे इनकी ज़बान में बात की जाए। बहुत प्यारे तरीके से पढ़ा, जिस तरह इनका इलाका, इनका इनकी लैंग्वेज है, तो इन्होंने बहुत खूबसूरत पढ़ा। डेर शायस्ता दो आवाज़ था करक ची दकम जाए वो डेर खायस्ता आवाज़ दे दो इंशाल्लाह यो जल बस्तर नथौन जोड़ेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह माशाल्लाह। ये आपने सुनी जजिस की राय और उनके साथ उनकी ज़बान में भी बात की। ये थे मोहम्मद हसन साहब, जिनका ताल्लुक ज़िला करक से है, जिनका कोड नंबर है 0039। आप इनको भी देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कीजिए। उसी के साथ यहाँ पे मुख्तसर से ब्रेक का टाइम, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।